नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं बीके ट्रैप्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट में रुपये ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना सर्विस चार्ज दिए, बिना एक रुपया एक्स्ट्रा खर्च किए। तो मैंने इससे पहले दो वीडियो डाले थे क्रेडिट कार्ड को लेकर कि कैसे अपने अकाउंट में रुपये ट्रांसफ़र किए जाए क्रेडिट कार्ड से, वो बिना सर्विस चार्ज दिए। तो एक मेरे भाई ने कहा कि इससे बढ़िया तो पेज़ैप यूज़ में कर लेते ले लेते और मैंने एक दो वीडियो भी देखे यूट्यूब पर जिसमें बताते हैं कि पेज़ैप को यूज़ कीजिए और अपने अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से रुपये ट्रांसफ़र कीजिए, वो बिना सर्विस चार्ज दिए। लेकिन जब मैंने उसको ओपन करके देखा तो इसमें तो ये दिखाई दिया कि अंदर तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपका अगर इससे रुपये ट्रांसफ़र करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, अपने अकाउंट इसमें पेज़ैप से क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड से या किसी से भी अपने अकाउंट में रुपये ट्रांसफ़र करेंगे वैलेट से, तो उसका चार्ज लगेगा आपका 2% प्लस। यहाँ पर देखिए, वो क्लियरली लिखा हुआ है ऊपर, ये देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम पेज़ैप वॉलेट टू एनी बैंक अकाउंट विल बी चार्ज एट 2% पर, मतलब जितना भी आप ट्रांसफर करोगे उसका 2% प्लस टैक्सेज GST वगैरह जो लगते हैं। अभी ये 7 नवंबर 2017 से लागू हुआ था इसमें तो। लेकिन चलो ठीक है, इससे रुपये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन जो तरीका मैं पहले बताता आया हूँ, दो बार मैंने जो बताया आपको, उस तरीके से ऐप्स के थ्रू भी आप रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना सर्विस चार्ज दिए। तो चलिए मैं उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको करना ही होगा कि अपने अकाउंट ये दोनों ऐप डाउनलोड करने हैं, प्ले स्टोर में जाना है और PAYZAPP लिखना है, सिर्फ इतने में आ जाएगा वो PAYZAPP। देखिए यहाँ पर लिखते ही ऊपर आ गया, HDFC बैंक का है ये ऐप। इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है, रजिस्टर करके इसमें अकाउंट बनाना है। यहाँ पे अकाउंट पर मैसेज भेजेगा उस पर मोबाइल नंबर से और ये रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद में आपको इसमें जाना है वॉलेट में, और उसमें आपको ऐड करना है अपने क्रेडिट कार्ड के अकाउंट नंबर डालने, इसमें उसमें बैलेंस ऐड करना है। बैलेंस ऐड करने के बाद में आप 5000 रुपये तक इसमें ऐड कीजिएगा, 5000 रुपये मैक्सिमम ऐड कीजिएगा। 5000 रुपये ऐड करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर है, इसमें जाना है मेन्यू पर, ये जो वहाँ पर निशान लगा हुआ है ऊपर, उस पर क्लिक करना है और ये मेन्यू पर जाना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है PAYZAPP कार्ड, या इस पर क्लिक करना है। अभी मैंने इसमें बैलेंस नहीं डाला है तो ये कार्ड जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आप बैलेंस डालोगे आपका कार्ड तैयार हो जाएगा एक डेबिट कार्ड। उसमें होता ये है कि उसमें आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिले, वो डेबिट कार्ड मिलेगा। इसको आप नेट पर कहीं भी यूज ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करने के लिए। उसमें आपको ये कार्ड के नंबर शो हो जाएंगे, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर तीनों शो होने लग जाएगा। उनको आप लिख लीजिए या फिर सेव कर लीजिए कहीं भी। उसके बाद में आपको एक और फ़ोनपे ऐप डाउनलोड करना है। फ़ोनपे काफ़ी फेमस ऐप है, आप इसके बारे में जानते होंगे मेरे ख्याल से, मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं आपको पता है तो। फ़ोनपे आपको सर्च करना है, PHONEPE, मैं दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। इसको भी इसमें रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है, आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो इसमें बैंक के साथ, तो इसमें ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, मतलब रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका नंबर। उसके बाद माई अकाउंट पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद वैलेट बैलेंस पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको इसमें अपना अकाउंट नंबर भी जोड़ना पड़ेगा, बैंक अकाउंट जो मैंने इसमें जोड़ रखा है इस तरीके से। और उसके बाद वैलेट बैलेंस पर जाकर आपको इसमें बैलेंस ऐड करना है, विड्रॉल यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है और आपके जो कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर टाइप करने हैं, जो अभी आपने क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले PAYZAPP के थ्रू। इसमें यहाँ पर वैलिड अप टू कितने एक्सपायरी डेट और इसमें CVV नंबर डाल के इसमें अपन ऐड कर देंगे। उसके बाद बैलेंस यहाँ पर देखने लग जाएगा अपन को, यहाँ पर ऊपर जो दिखाई दे रहा है हरा हुआ, तो उसके बाद में पास में विड्रॉल लिखा हुआ है। जैसे अपन को बैलेंस यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा, अपना बैलेंस 5000 रुपये आ गया है, तो उसको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पर ला कर छोड़ दीजिए अपने अकाउंट में जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करने से अपने अकाउंट में रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे और बिना सर्विस चार्ज दिए अपना काम हो जाएगा, मतलब अपना एक रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा और अपने अकाउंट में रुपये ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर कीजिए, और पसंद आए ना आए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।